देश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। सभी के काम धंधे चौपट हैं, लोग घरों में खुद को कैद किए हैं। देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जरूरत वाले खाद्य पदार्थों की दुकानें खुली हैं। गोंडा जनपद में प्रशासन ने सभी को घर बैठे सभी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए वादा किया है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी संभव ही नहीं हो सकता, जिसके कारण कुछ लोग व सामाजिक संगठन, क्षेत्र प्रतिनिधि आगे बढ़कर लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश हित को छोड़कर स्वयं के हित में लगकर मुनाफाखोरी में लगे हैं। अलग अलग कस्बों में सब्जियों के भाव उछाल मार रहे हैं, लेकिन जब मंडियों में इसकी स्थिति पता की गई तो वहां सब सामान स्थित सामान्य भाव, लेकिन लोगों को कस्बे के दुकानदार चल रहे हैं या फिर उन दुकानदारों को सामान उपलब्ध कराने वाले व्यापारी। हमारा नाम है हसन मोहम्मद। ये कौन सी मंडी है? ये नवीन सब्जी मंडी। आप क्या बेच रहे हैं? हम आलू बेच रहे हैं खाली। आज का रेट आलू का क्या है? आज का आलू रेट 15-16। गैंग नहीं दिखाई दे रहे क्या है? व्यापारी नहीं दिखाई दे रहे क्या? व्यापारी इसलिए नहीं आ रहा, 2 घंटे के लिए दुकानदारी बता रहे, तो गाकी डर के मारे सब भाग जाते हैं, कोई माल ही नहीं ले रहा, और सब तो साधन साधन भी नहीं चलने देते, तो माल जाए तो कैसे जाए। अब कह रहे सब रोकते नहीं, वहाँ डंडा मारते हैं, उधर मारते डंडा, उधर मारते। अभी आया है कि जल्दी से निकालिए, नहीं तो डंडे मारिए, चालान करिए, तो कौन आदमी आएगा सौदा खरीदने? भाई आपने कहा मंडी 9 से 3 से 10 तक खुला रहेगा, आप 9 बजे तक कह दिया, 9 बजे के बाद में आप कह रहे 3 दो पहिया 3 पहिया, कोई गाड़ी ना हो, बड़ी गाड़ी है तो कौन लेगा हमारी? वही तो 8-8 10-10 बोरा का ठेला रिक्शा वाले ले जाते हैं, वो भी नहीं ले जाने पाते, रास्ते में लेके जाते वैसे डंडा पड़ने लगता है। ये कस्बे में आपका आलू नहीं जा रहा है? कस्बे में कहाँ जाता, जब गाड़ी ही नहीं चलने देते तो कस्बे में कैसे जाए माल? अब कस्बे वाले कैसे पावे माल? अब कस्बे वाले ले जाते थे गाड़ी, छोटी गाड़ी से। हाजी साहब मोहम्मद, कौन सी मंडी है ये? ये नवीन मंडी है। आप क्या बेच रहे हैं इसमें? टमाटर बेच रहे हैं। टमाटर क्या रेट, क्या रेट चल रहा है आपका? 300 रुपये के 26 किलो। फुटकर क्या रेट चल रहा है? फुटकर 12 रुपया किलो। माल क्या आपके यहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रहे, व्यापारी क्या है? व्यापारी खड़े हैं। अच्छा, दूरी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? इन लोगों के मुंह में मास्क ना आपके लगा है ना उनके लगा है, क्या आपको लगा? 1 मीटर की दूरी बना के रही है लोग आपस में। नहीं, आप अगर अगर आप दवा लेने जा रहे हैं तो कहाँ खड़ा होते हैं? सटके 1 मीटर दूरी रखिए सब लोग। अब किसी के मुंह में मास्क क्यों नहीं लगा? आप स्वयं नहीं लगाए हुए हैं, आप अंगोछा